नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौरा एक्सप्रेस। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगल में आग लगने का सिलसिला आम हो जाता है, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों की अटकलें तेज हो जाती है। साथ ही दमकल विभाग को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। जंगल में अधिकांश शरारती तत्व आग लगा देते हैं या फिर खेतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में किसी कारण फॉल्ट हो जाने से खेतों में आग लगना स्वाभाविक होता है। इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। बिजनौर कोतवाली शहर के दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर पूर्व सपा विधायक रुचि वीरा के खेत में अज्ञात कारणों के चलते भयानक आग लग गई, जिससे खेत में खड़ी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। वहीं हाईवे से गुजर रहे एक दमकल कर्मी ने जब इस आग को देखा तो उन्होंने तुरंत दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अभयराम जी, फायर स्टेशन बिजनौर जी। मैं सरकारी कार्य से पुलिस कार्यालय जा रहा था जी। तो मैंने देखा कि इधर बहुत तेज आग लग रही थी और धुआं चल रहा था, तो मैं इधर मौके पर आया तो मैंने जैसे देखा कि गन्ने के खेत में आग जल रही है, तो मैंने एकदम अपने मोबाइल से फायर स्टेशन बिजनौर को सूचना दी और वहाँ से गाड़ी मंगवाई और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। फिर पूछताछ करी गांव के प्रधानों से, आसपास से पता चला कि ये खेत पूर्व विधायक सूची वीरा जी का है और अग्निशमन कार्य जारी है अग्नि नियंत्रण में। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।